सब्सक्राइब कीजिए आयोना इंस्टीट्यूट चैनल को और प्रेस कीजिए बेल आइकन को ताकि आपको मिल सके हमारा लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले और ये बिल्कुल फ्री है। वेलकम टू आयोना इंस्टीट्यूट ऑनलाइन और मैं मनीष आपको इस चैनल के थ्रू क्लास 12th के मैथ्स का इंटीग्रेशन एक्सरसाइज 7.9 पे काम करने जाएंगे। तो जो इस लेक्चर से देखना शुरू किए हैं वो ज़रूर से प्रीवियस लेक्चर्स जाके देखें ताकि उन्हें ये लेक्चर और इसके आगे वाले लेक्चर और अच्छे से समझ आने लगे। तो मेरा क्वेश्चन नंबर 15 है स्टूडेंट्स, यहाँ पे इंटीग्रेशन 0 से 1 एक्स ई का पावर एक्स स्क्वायर। मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ, जो ई का पावर में एक्स स्क्वायर है उस एक्स स्क्वायर को मैंने क्या मान लिया, टी। एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन कितना हो जाएगा, 2x dx, ये मेरे पास क्या बन जाएगा, dt। यहाँ से मैं x dx की वैल्यू क्या रख सकता हूँ, dt/2। तो मैं इस चीज़ को कुछ ऐसे लिख रहा हूँ, 0 से 1, ठीक है, e का पावर एक्स स्क्वायर इंटू एक्स dx। और यहाँ पे जो x dx है इसकी जगह dt/2, तो 1/2 बाहर निकाल लिए, इंटू dt, और ये क्या बना हुआ है, e का पावर t, ठीक है। अब ये आप सब्स्टिट्यूट किए हैं, x की वैल्यू 0 करते हैं तो t 0 आ गया, x की वैल्यू 1 पुट कर रहा हूँ, 1 का स्क्वायर 1 आ गया, हाफ ऑफ e का पावर t का इंटीग्रेशन, e का पावर t लिमिट 0 से 1, ये मेरे पास आ गया 1/2, पहले अपर लिमिट t की वैल्यू 1 पुट करें फिर लोअर लिमिट e का पावर 0, तो ये बन गया हाफ ऑफ e माइनस e का पावर 0 इज 1। तो स्टूडेंट्स आप यहाँ तक का स्क्रीनशॉट ज़रूर ले लें। स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 16 पे आते हैं, 1 से 2 इंटीग्रेशन 5x² dx / x² + 4x + 3। अब मुझे क्या दिखाई दे रहा है, न्यूमरेटर में एक्स स्क्वायर का कोफिशियंट 5 है, डिनोमिनेटर में हाईएस्ट एक्स अपॉर 2, न्यूमरेटर में हाईएस्ट एक्स अपॉर 2। तो इसीलिए मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे डिनोमिनेटर का जो एक्स स्क्वायर प्लस 4x + 3 है उसको न्यूमरेटर में क्रिएट करने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ देखोगे 5 तो बाहर निकाल लिया, बचा एक्स स्क्वायर। अब डिनोमिनेटर जो 4x + 3 है वो क्या कर दिया जाए, ऐड कर दिया जाए, और 4x + 3 को हम क्या कर देते हैं, सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, ताकि इसके नीचे ये आएगा, ये मेरे पास बन गया 5 इंटीग्रेशन दिस बाय दिस 1 माइनस यहाँ क्या बन जाएगा 4x + 3 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 4x + 3 लिखते हुए dx। यहाँ पे लिमिट मेरी चल रही है 1 से 2, यहाँ लिमिट चल रही है 1 से 2। तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो गया, dx का इंटीग्रेशन x आ गया, लिमिट 1 से 2। चलिए इसका अलग से इंटीग्रेट करके यहाँ पुट करते हैं, तो यहाँ पे इसका इंटीग्रेशन हम करने जा रहे हैं 4x + 3 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 4x + 3। तो यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है मुझे, यहाँ पे नीचे मेरे दो लीनियर फैक्टर्स क्रिएट हो रहे हैं, x + 3 x + 1 dx, और यहाँ क्या पड़ा हुआ है 4x + 3। पार्शियल फ्रैक्शन लगा सकता हूँ इसमें, तो मैं क्या लिख सकता हूँ इस चीज़ को, मैंने लिखा 4x + 3 डिवाइडेड बाय x + 3 इंटू x + 1 को मैं लिख रहा हूँ समथिंग लाइक a डिवाइडेड बाय x + 3 प्लस b डिवाइडेड बाय क्या लिख दिया x + 1। यहाँ पे आ गया मेरे पास 4x + 3, और यहाँ एलसीएम लेता हूँ तो ये बना हुआ है a इंटू x + 1 प्लस b इंटू x + 3। अब a और b की वैल्यू निकालना चाहते हैं तो एक बार x की वैल्यू क्या पुट कर देंगे, एक बार x की वैल्यू -3 पुट करेंगे, और एक बार x की वैल्यू क्या पुट कर रहे हैं -1। तो -3 पुट कर रहा हूँ, -12 + 9 इज -12 + 3 - 9, ये 0 हो गया, एंड -3 + 1 - 2a। यहाँ से a की वैल्यू आ गई मेरे पास 2/9 करते हुए। चलिए अब ऐसे ही -1 पुट कर रहा हूँ तो ये -1 आ गया, -4 + 3 - 1 पे ये 0, और ये हो गया 2b। यहाँ से b की वैल्यू आ गई मेरे पास स्टूडेंट्स -1/2 करते हुए। चलिए a और b आ गया, पुट कर देते हैं यहाँ पे, तो ये वाला पूरा अंदर वाला जो है, a की वैल्यू मैंने लिख दी 2/9 डिवाइडेड बाय x + 3 प्लस b की वैल्यू है मेरे पास -1/2 डिवाइडेड बाय x + 1 इंटू dx। यहाँ क्या हो गया 2/9 बाहर निकला, 1/x + 3 का इंटीग्रेशन log x + 3, -1/2 बाहर निकला, इसका इंटीग्रेशन log ऑफ क्या लिखा पड़ा है x + 1। तो ये इसका इंटीग्रेशन हम यहाँ रख देते हैं, तो ये मेरे पास आ गया स्टूडेंट्स यहाँ पे 2/9 log ऑफ x + 3
ठीक है, एंड यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ, माइनस वन बाई टू लॉग ऑफ, क्या पड़ा है मेरे पास, एक्स प्लस वन लिमिट वन से टू। तो अब हम क्या कर सकते हैं, पहले तो सब में अपर लिमिट रख देते हैं टू, चलिए रखते हैं यहाँ पे। यहाँ पे क्या बन रहा है, यहाँ पे x की वैल्यू अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट माइनस टू बाई नाइन, यहाँ पे लॉग ऑफ, पहले अपर लिमिट रखता हूँ तो टू प्लस थ्री क्या आएगा, फाइव, फिर माइनस लॉग वन प्लस थ्री फोर, तो लॉग ए माइनस लॉग बी, लॉग ए बाई बी हो गया, माइनस माइनस क्या आ जाएगा, प्लस वन बाई टू लॉग ऑफ, पहले अपर लिमिट टू प्लस वन इज थ्री, फिर माइनस लॉग टू आएगा, तो लॉग ए माइनस लॉग बी, हमने यहाँ पे लॉग ए बाई बी लगा दिया। तो ये मेरे पास आ रहा है स्टूडेंट्स कुछ इस तरह से, फाइव इंटू वन माइनस टू बाई नाइन लॉग ऑफ फाइव बाई फोर प्लस वन बाई टू लॉग ऑफ थ्री बाई टू। तो ये हमारा हुआ स्टूडेंट्स आपका फाइनल आंसर। तो आगे बढ़ने से पहले यहाँ तक आप स्क्रीनशॉट जरूर ले ले स्टूडेंट। तो चलिए स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 17 पे आते हैं। 17 है 0 से पाई बाय 4 टू सिक्स स्क्वायर एक्स प्लस एक्स क्यूब प्लस टू डी एक्स। तो सिक्स स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन टेन एक्स, एक्स क्यूब का इंटीग्रेशन एक्स पावर 4 बाय 4 एंड टू का इंटीग्रेशन 2x, लिमिट कहाँ से कहाँ, 0 से पाई बाय 4। अब यहाँ पे पहले 2 इंटू, पहले अपर लिमिट रखो टेन पाई बाय 4, फिर लोअर लिमिट रखो टेन 0। हर एक फंक्शन में बस अपर लिमिट लोअर लिमिट, तो यहाँ पे पाई बाय 4 का पावर 4 माइनस 0 का पावर 4 डिवाइडेड बाय 4 प्लस 2 टाइम, फिर अपर लिमिट पाई बाय 4 लोअर लिमिट 0। ये आ गया टेन पाई बाय 4 इज 1, टेन 0 इज 0 प्लस ये आ गया पाई का पावर 4 डिवाइडेड बाय 4 पावर 4 इंटू 4 डेट इज 4 पावर 5। 4 पावर 5 को लिख सकता हूँ 2 स्क्वायर का पावर 5 डेट इज 2 पावर 10, 2 का पावर 10 होता है मेरा 1024 प्लस ये आ गया मेरे पास पाई बाय 2। तो हमारा फाइनल आंसर हो रहा है स्टूडेंट्स 2 प्लस पाई पावर 4 1024 प्लस पाई बाय 2। तो यहाँ तक का आप स्क्रीनशॉट जरूर ले लें स्टूडेंट्स। अगला क्वेश्चन है साइंस स्क्वायर एक्स बाई टू माइनस कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू डी एक्स 0 से पाई। हम कॉस टू थीटा का फॉर्मूला क्या जानते हैं, इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइंस स्क्वायर थीटा। यहाँ पे साइंस स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर है तो आंसर माइनस कॉस ऑफ डबल एंगल। तो ये मेरे पास हो जाएगा 0 से पाई माइनस कॉस ऑफ टू टाइम्स एक्स बाई टू इज कॉस एक्स, कॉस एक्स का इंटीग्रेशन होगा मेरे पास स्टूडेंट्स साइन एक्स, लिमिट 0 से पाई, ये बन के आ गया पहले अपर लिमिट एक्स की जगह पाई, लोअर लिमिट एक्स की जगह 0, साइन पाई भी 0, साइन 0 भी 0, देयरफॉर योर आंसर इज 0। तो स्टूडेंट्स आप यहाँ तक का स्क्रीनशॉट जरूर ले। अगला क्वेश्चन पे आते हैं 6x प्लस 3 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 4 इंटू डी एक्स। तो यहाँ पे मैं क्या कर सकता हूँ इस चीज़ को, यहाँ पे मैं इसे लिख सकता हूँ प्लस के अबाउट, अगर स्प्लिट करूँ इसे तो मेरे पास हो गया समथिंग लाइक 3 बार निकाला तो यहाँ आ गया 2x dx डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 4 प्लस यहाँ से 3 बार निकाल लिया तो ये बन गया dx बाई एक्स स्क्वायर प्लस 4 लिख दिया। अब यहाँ पे क्या देख रहे हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 4 को अगर u मानता हूँ तो ऊपर 2x dx क्या लिखा हुआ है, du 3, ठीक है, और यहाँ पे प्लस 3 टाइम्स ये क्या लिखा हुआ है dx बाय एक्स स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर। और हम यहां क्या देख रहे हैं, अगर एक्स स्क्वायर प्लस 4 को अगर मैं u माना हूं, एक्स स्क्वायर प्लस 4 को मैंने u मान रखा है तो 2x dx जो है वो मेरा du बना हुआ है, तो 2x dx की जगह du लिख दिए, एक्स स्क्वायर प्लस 4 की जगह u लिख दिए। अब लिमिट चेंज होगी, x 0 रखते हो u 4 आ गया, फिर x की वैल्यू 2 रखते हो तो 4 प्लस 4 u की वैल्यू क्या हो गई मेरे पास 8, ये बन गया 3 du बाई u इज log u लिमिट 4 से 8 प्लस
3, इसका इंटीग्रेशन होता है 1 अपॉन ए टैन इनवर्स, क्या लिख सकते हैं हम यहाँ पे, x बाई टू लिमिट 0 से 2। अब क्या किया जाए, ये लिख दिया 3 log ऑफ, पहले अपर लिमिट रखो 8 माइनस log ऑफ 4, और यहाँ लिखा हुआ है प्लस 3 बाई टू इंटू टैन इनवर्स 2 बाई टू 1 माइनस टैन इनवर्स, क्या लिखा है हमने यहाँ पे 0। तो ये मेरे पास हो गया 3 log 8 by 4 that is 2 plus 3 by 2 tan inverse 1 is pi by 4 minus tan inverse 0 0। तो ये आंसर आ गया हमारे पास स्टूडेंट्स 3 log 2 plus 3 pi by 8 करते हुए। तो स्टूडेंट्स आप यहाँ तक का स्क्रीनशॉट जरूर ले लें। अगला क्वेश्चन पे आते हैं, 0 से 1 x e का पावर x plus sin pi x by 4। तो सबसे पहले x e का पावर x का इंटीग्रेशन अलग से मैं कर देता हूँ। x e का पावर x का इंटीग्रेशन हम किस रूल से करेंगे, प्रोडक्ट रूल, है ना, जो हमारा बाय पार्ट्स होता है। यहाँ पे अल्जेब्रिक, ये एक्सपोनेंशियल, अल्जेब्रिक फर्स्ट हो गया, एक्सपोनेंशियल सेकंड हो गया। रूल के हिसाब से सेकंड फंक्शन का हमेशा इंटीग्रेशन होगा, तो e का पावर x का हमेशा इंटीग्रेशन किए, फर्स्ट को बाहर निकाला, यहाँ फर्स्ट का मैंने डिफ्रेंशिएशन किया, जो आया उसको सेकेंड के इंटीग्रेशन से मल्टीप्लाई करके इनटू इंटीग्रेशन डीएक्स, ई का पावर एक्स का इंटीग्रेशन ई का पावर एक्स, डीएक्स बाई डीएक्स 1, ई का पावर एक्स का इंटीग्रेशन ई का पावर एक्स इनटू डीएक्स, ये मेरे पास आ गया एक्स ई का पावर एक्स माइनस ई का पावर एक्स। तो यहाँ से मेरा आंसर आ रहा है ई का पावर एक्स इंटू एक्स माइनस 1। चलिए पुट कर देते हैं, तो इसका इंटीग्रेशन हम निकाल चुके हैं, ये आ रहा है ई का पावर एक्स इंटू एक्स माइनस 1 साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस, क्या लिखा गया है यहाँ पे पाई एक्स बाई फोर डिवाइडेड बाई एक्स का कोफिशियंट पाई बाई फोर। अब लिमिट बात हो रही है 0 से 1, तो क्या करते हैं, पहले अपर लिमिट रखते हैं 1, तो 1 माइनस 1 ये पार्ट क्या हो गया 0 माइनस कॉस, यहाँ पे पाई बाई फोर हो जाएगा, कॉस पाई बाई फोर 1 बाई रूट टू डिवाइडेड बाई पाई बाई फोर, ये आ गया मेरा अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। अब 0 पुट करता हूँ, तो e का पावर 0 1, और यहाँ पे 0 माइनस 1 माइनस 1, यहाँ पे आएगा माइनस कॉस 0 1 हो गया, नीचे आया पाई बाय 4, तो मेरे पास ये बन रहा है स्टूडेंट्स, ऊपर 4 गया तो 4 बाय रूट 2 पाई विद माइनस साइन, और यहाँ पे माइनस माइनस ये सारे माइनस प्लस हो गए, तो प्लस 1 बाय 4 बाय क्या आ गया मेरे पास पाई। तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे हम इसे रूट 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई अगर कर दें तो 2 रूट 2 पाई माइनस 2 रूट 2 बाई पाई प्लस 1 प्लस 4 बाई पाई, तो मेरे पास ये हो गया 4 माइनस 2 रूट 2 डिवाइडेड बाई पाई प्लस 1 करते हुए स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट आप यहाँ तक का स्क्रीनशॉट जरूर ले लें। ये स्टूडेंट अगला क्वेश्चन है, 1 से रूट 3 डी एक्स बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, यहाँ पे इसका इंटीग्रेशन होने चल जाएगा मेरा टैन इनवर्स एक्स लिमिट 1 से रूट 3, अपर लिमिट रखते हुए टैन इनवर्स रूट 3 माइनस टैन इनवर्स 1, टैन इनवर्स रूट 3 इज 60 डिग्री माइनस दिस इज 45 डिग्री, तो 4 पाई माइनस 3 पाई पाई बाय 12, विच इज़ योर ऑप्शन नंबर डी। तो स्टूडेंट्स अब यहाँ तक का स्क्रीनशॉट ज़रूर ले लें। चलिए स्टूडेंट अगला क्वेश्चन पे आते हैं, 0 से 2 बाई 3 डी एक्स बाई 4 प्लस 9 एक्स स्क्वायर। सबसे पहले कोशिश की जाएगी एक्स स्क्वायर का कोफिशियंट 1 बनाने के लिए, तो एक्स स्क्वायर का कोफिशियंट 1 बनाने के लिए 9 बाहर निकाल लिया, ये बना हुआ है 4 बाई 9 प्लस यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोफिशियंट 1 बन गया, ये डी एक्स, ये 0 से 2 बाई 3, मैं इसको लिख सकता हूँ 1 बाय 9 इंटीग्रेशन 0 से 2 बाई 3 डी एक्स डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 4 बाई 9 को लिख सकते हैं 2 बाई 3 का होल स्क्वायर, तो ये आ गया 1 बाई 9 इंटू डी एक्स बाई एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये होता है 1 बाई ए टैन इनवर्स, इसको हम लिख सकते हैं स्टूडेंट्स एक्स बाई ए टैन इनवर्स एक्स बाई ए लिमिट 0 से 2 बाई 3, 3 3 से काटेगा तो 3 इंटू 2 हो गया मेरे पास 6, और इसको मैं लिख सकता हूँ स्टूडेंट, तो पहले अपर लिमिट लगाता हूँ टैन इनवर्स 2 बाई 3 बाई 2 बाई 3 इज 1, एंड 0 रखने पे ये हो गया टैन इनवर्स 0, ये मेरे पास हो गया स्टूडेंट्स पाई बाय 4, एंड दिस इज टैन इनवर्स 0 0, तो पाई बाय 4 इंटू 1 बाई 6 इज पाई बाय 24, विच इज योर ऑप्शन नंबर सी। तो स्टूडेंट्स अब यहाँ तक का स्क्रीनशॉट जरूर ले लें।
तो होप आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा, और अगर ये लेक्चर पसंद आया तो ज़रूर से इस लेक्चर को आप लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और जो नए हैं वो सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर दबाएं ताकि जैसे ही नया वीडियो अपलोड हो आपको उससे इंस्टेंट पे मिले और उसका फ़ायदा उठा सके। आज के लिए इतना ही, कल मिलते हैं नए वीडियो के साथ। सब्सक्राइब कीजिए आयुर्वेदा इंस्टीट्यूट चैनल को और प्रेस कीजिए बेल आइकन को ताकि आपको मिल सके हमारा लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले, और ये बिल्कुल फ्री है।